नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज जाने चुनाव संबंधी अपडेट। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदान के लिए 20 फरवरी यानी रविवार को मतदान होना है, जिसके प्रचार का शोर शुक्रवार की शाम 6 बजे थम गया था। इस बार के चुनाव के सबसे बड़े इस चरण के लिए वोटिंग रविवार को होगी। इस चरण के 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान है, जिसके लिए 227 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 2,15,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 1,16,00,000 पुरुष जबकि 99.6 लाख से अधिक महिलाएं और 1,096 तृतीय लिंग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। 15,553 मतदान केंद्रों पर स्थित 25,741 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चरण में अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में मतदान होना है, जिसमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। वहीं बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान होना है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। वहीं पंजाब में 117 सीटों के लिए भी कल वोटिंग होनी है, जिसमें राज्य की 93 महिलाओं सहित कुल 1,304 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शामिल हैं। धन्यवाद।